dear children, good afternoon. Today I will teach you next lesson of geography of class 8. In the previous chapter, you have studied about the resource. Today I will teach you next lesson, land, soil and water. अब पहले हम ये जानेंगे कि लैंड किसे कहा जाता है. व्हाट इज लैंड? लैंड, द लैंड सरफेस इज मेड ऑफ लैंड एंड वाटर. अबाउट 71% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर. लैंड बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे कृषि के लिए हुआ, माइनिंग के लिए हुआ, या इंडस्ट्री के लिए हुआ, सेटलमेंट के लिए हुआ, यानी कोई भी चीज अगर हमको कोई भी एक्टिविटीज करनी है तो हमें उसके लिए लैंड की आवश्यकता होती है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लैंड हमारे लिए सरोवर होता है. लैंड सरफेस इज मेड ऑफ लैंड एंड वाटर, यानी जो भूमि का जो भूभाग की जो सतह होती है वह दो चीजों से मिलकर बनी होती है, लैंड और वाटर. लैंड एंड वाटर से बनी होती है. लगभग 71% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, लगभग पृथ्वी का 71% भाग जल से ढका हुआ है. यानी पृथ्वी, और चाहे वह ओशन के रूप में है, सीज के रूप में है, लेक्स है, पॉन्ड्स है इत्यादि. अब दूसरे नंबर पे आते हैं पैटर्न ऑफ लैंड यूज. पैटर्न ऑफ लैंड यूज किसे कहा जाता है, पहले ये समझेंगे. लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेस एज एग्रीकल्चर, माइनिंग, सेटलमेंट, इंडस्ट्रीज. द कल्टीवेशन ऑफ लैंड डिपेंड्स अपॉन, यानी जो पैटर्न ऑफ लैंड यूज का मतलब, लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेस, लैंड का प्रयोग विभिन्न उद्देश्य को ध्यान में रख करके किया जाता है. यानी कोई भी कार्य हमें करना होता है तो हम लैंड पर ही करते हैं, यानी भूभाग पर ही करते हैं, चाहे कृषि कार्य हुआ, या उद्योग लगाना है, माइनिंग करना है, सेटलमेंट बनाना है, चाहे जो कुछ भी करना है हम वह लैंड यानी भूभाग पर ही करते हैं. और इसलिए यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसके प्रयोग करने के तरीके को ही पैटर्न ऑफ लैंड यूज कहा जाता है, कि किस चीज के लिए हम लैंड का प्रयोग कर रहे हैं. अब ये देखते हैं कि कल्टीवेशन के लिए, पहले नंबर पे हम आएंगे कि कृषि कार्य करने के लिए हमें जो लैंड की आवश्यकता होती है उसका हम सिलेक्शन कैसे करेंगे, उसको हम कैसे चूज करेंगे, कौन सी उसकी गुणवत्ता होगी जिसके आधार पर हम उसको सिलेक्ट करेंगे. पहला है रिलीफ, दूसरा है फर्टिलिटी ऑफ सॉयल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड नीड्स ऑफ द पीपुल. रिलीफ, यानी रिलीफ मीन्स होता है कि वह जो लैंड है वह किस तरीके का है, उबड़ खाबड़ है, पर्वतीय है, पठारी है, मैदानी है, यानी किस प्रकार की उसकी विशेषता है उसको पहले ध्यान में रखेंगे. क्योंकि जैसे हमको अगर सेटलमेंट ही बनाना है या हमको कृषि कार्य करना है तो इसके लिए हमको मैदानी भाग सबसे ज्यादा सुटेबल लगता है. यानी अगर भूभाग जो है वह बिल्कुल फ्लैट है तो ऐसे स्थान पर सेटलमेंट बनाना, रोड्स बनाना, या कोई उद्योग धंधे लगाना या कृषि कार्य करना, सारा जो है वह बहुत उपयुक्त होता है. फिर दूसरे स्थान पे आते हैं कल्टीवेशन के लिए कि फर्टिलिटी ऑफ सॉयल. ये नहीं है कि हम चाहे जहाँ कृषि कार्य करें कहीं भूभाग अगर ऊसर बंजर है या जो अनफर्टाइल है, जहाँ पे उसमें कोई उपयोगी तत्व तो नहीं है कृषि कार्य करने योग्य, तो ऐसे स्थान पर हम कृषि कार्य नहीं करेंगे. और इसके लिए हमें मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी देखना पड़ता है कि वहाँ की उर्वरा शक्ति जो मिट्टी की है वह किस प्रकार की है, हमारे कल्टीवेशन के लिए वह सूटेबल है या नहीं है. तीसरे नंबर पे आते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी अगर हमको कोई भी कार्य करना है कृषि का तो बिना पानी के, बिना वाटर के वह पॉसिबल नहीं होता है. यानी कृषि का कार्य करने के लिए अगर हम
फसल बोते हैं तो फसल की सिंचाई के लिए भी हमको वाटर की आवश्यकता होती है समय समय पर, और वाटर के अभाव में कृषि कार्य संभव नहीं हो पाएगा। चौथा है नीड्स ऑफ द पीपुल, यानी लोगों की आवश्यकता, यानी जैसी लोगों की आवश्यकता होगी उसी आवश्यकता के अनुरूप ही लोग जो है वह लैंड यानी सॉयल का या लैंड का प्रयोग करेंगे यानी उसको सिलेक्ट करेंगे। अब हम आते हैं कि अगर ये लैंड रिसोर्स हमारा जो है वह बहुत ज्यादा उपयोगी है तो इसको हम कंजर्व कैसे करेंगे यानी इसको हम कैसे सुरक्षित रखेंगे। अब पहला नंबर है चेकिंग डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन माने होता है वनों का कटना, यानी चेकिंग रोकना यानी वनों के कटने को रोकना, चेकिंग डिफॉरेस्टेशन। अगर जहां पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं, वन नहीं होते हैं, ऐसे जगहों पे अगर बारिश बहुत अधिक होती है तो वहां की जो मिट्टी होती है वह बह करके वहां से इरोड होकर के दूसरे स्थान पे चली जाती है और इस प्रकार से वन जो होते हैं वह लैंड रिसोर्स को कंजर्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। दूसरा नंबर आता है एडॉप्टिंग साइंटिफिक टेक्निक। अब दूसरा नंबर है कि तकनीकी यानी वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करना, कृषि कार्य करने के लिए उत्तम तरीके के वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करके हम लैंड को रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं कंजर्विंग सॉयल एंड द फॉरेस्ट, यानी मिट्टी को इरोड होने से बचाने के लिए और फॉरेस्ट जो होते हैं वह बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो इस तरह से जंगल को लगा करके या पेड़ पौधे लगा करके हम मिट्टी को कंजर्व कर सकते हैं। चौथा है अफॉरेस्टेशन, वही बात इसमें भी है कि डिफॉरेस्टेशन माने होता है वनों का कटना और अफॉरेस्टेशन माने होता है वनीकरण यानी वन को लगाना। पांचवा नंबर है चेकिंग ओवर ग्रेजिंग, बहुत ज्यादा जानवरों को चारा चराना, यानी अगर कहीं पे वेजिटेशन है वनस्पति है अगर उसको बहुत अधिक मात्रा में पशुओं के द्वारा चरा दिया जाता है, उसको ग्रेज करवा दिया जाता है तो वहां की जो मिट्टी होती है वह इरोड होकर के दूसरे स्थान पे चली जाती है या तो वहां से बिल्कुल हट जाती है जिससे उस जगह की जो मिट्टी की फर्टिलिटी होती है वह खत्म हो जाती है। अब आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉयल, यानी मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, किन तरीकों से मिट्टी का निर्माण होता है। सॉयल फॉर्मेशन टेक्स अ थाउजेंड ऑफ इयर्स टू फॉर्म अ वनली अर्थी लेयर, यानी जो मिट्टी का निर्माण होता है इसमें लगभग हजारों साल का समय लगता है एक पतली सी परत, बहुत पतली परत के निर्माण में। और इसके निर्माण में कौन कौन से चीज योगदान देते हैं, नंबर एक देखो पेरेंट रॉक, यानी सॉयल के निर्माण में सॉयल के फॉर्मेशन में पेरेंट रॉक क्या हेल्प करता है। द मेन रॉक्स विच ब्रेक इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स एंड प्रोवाइड बेसिक पार्टिकल्स ऑफ सॉयल आर कॉल्ड पेरेंट रॉक। द मेन रॉक्स प्रमुख जो चट्टाने होती हैं विच ब्रेक जो कि टूटती है इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स छोटे छोटे टुकड़ों में एंड प्रोवाइड और प्रदान करती हैं बेसिक पार्टिकल, यानी इसकी बेसिक पार्टिकल को प्रदान करती हैं और सॉइल मिट्टी के और कॉल्ड पेरेंट रॉक, उसे पेरेंट रॉक कहा जाता है। यानी प्रमुख चट्टाने जो कि टूटती हैं छोटे छोटे टुकड़ों में और यह बेसिक पार्टिकल कण प्रदान करती है मिट्टी को और उसे ही पेरेंट रॉक कहा जाता है। अब दूसरे स्थान पे आते हैं रिलीफ। रिलीफ किसे कहते हैं, रिलीफ का मतलब ये है कि भूभाग का किस तरीके का ढांचा है, जैसे जो पर्वतीय क्षेत्र है पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे जो वेदरिंग होती है जो पत्थरों के टूटने की क्रिया को वेदरिंग कहा जाता है, यानी जो वेदरिंग होती है वह
बड़े पैमाने पर होती है, लार्ज स्केल पर होती है। और तीसरे स्थान पे आते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी जलवायु की जो अवस्थाएं होती हैं वह भी सॉइल फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। और चौथा नंबर है प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑर्गेनिज्म, पौधे और जानवर के जो ऑर्गेनिज्म यानी जानवर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यह भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कहने का मतलब जो डेड प्लांट्स होते हैं वह जो है मिट्टी में मिलते हैं और उससे मिट्टी में ह्यूमस जो उर्वरक शक्ति की चीज होती है वह ह्यूमस को प्रदान करते हैं और इस प्रकार से मिट्टी का निर्माण होता है, यानी द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल यानी मिट्टी का निर्माण चार प्रक्रियाओं से होकर के होता है, एक पेरेंट क्रॉप के द्वारा, रिलीफ के द्वारा, क्लाइमेटिक कंडीशंस के द्वारा और प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑर्गेनिज्म के द्वारा। अब इसके बाद आगे पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल किसे कहा जाता है, यानी जो मिट्टी होती है वह परत दर परत उसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर एक है होरिजन सॉइल, इसके अंदर एक होरिजन ए जिसे कहा जाता है यानी टॉप सॉइल, यानी जो सबसे ऊपरी परत होती है मिट्टी की, सॉइल की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे होरिजन ए कहा जाता है यानी टॉप सॉइल कहा जाता है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर होरिजन बी, होरिजन बी को क्या कहा जाता है, सब सॉइल कहा जाता है यानी टॉप सॉइल के नीचे की जो मिट्टी होती है उसे सब सॉइल कहा जाता है। तीसरे नंबर पर है होरिजन सी यानी रॉक फ्रेगमेंट्स यानी जो चट्टानी जो टुकड़े होते हैं वह होरिजन सी के अंतर्गत आते हैं जो कि बी के बिलो होते हैं। चौथे नंबर पर होरिजन डी अनब्रोकन रॉक मटेरियल्स, ऐसे चट्टानी मटेरियल जो कि टूटते नहीं अनब्रोकन होते हैं बिना टूटे हुए। लाइन बिफोर होरिजन सी जो कि होरिजन सी के नीचे पाए जाते हैं। अब इसके बाद आगे पढ़ेंगे, अब तक तो पढ़े कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है उसकी क्या उपयोगिता होती है, अब इसके बाद पढ़ेंगे कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है। नंबर एक है एल्युअल सॉइल, इसका नाम तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो सुन चुके हो कि एल्युअल सॉइल किसे कहा जाता है, ऐसी मिट्टी जो कि जिसका निर्माण होता है फ्लड के द्वारा या नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी के द्वारा जिसका निर्माण होता है उसे एल्युअल सॉइल कहा जाता है। बाढ़ के दौरान नदियां जो है अपने साथ सिल्ट आदि लेकर के आती हैं और किसी स्थान पर इसको डिपॉजिट कर जाती हैं और यह डिपॉजिट किया हुआ जो स्थान होता है यहाँ की जो मिट्टी होती है वह एल्युअल सॉइल कही जाती है। नंबर दो है ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, जो वोल्केनिक प्रोन एरियाज होते हैं ऐसे क्षेत्रों में ब्लैक सॉइल पाई जाती है। नंबर तीन है रेड सॉइल लाल मिट्टी, जो चट्टानों के टूटने से जो मिट्टी हो बनती है वही रेड सॉइल होती है। लेटेराइट सॉइल क्या है, लेटेराइट सॉइल जो होती है वह कम उपजाऊ होती है। पांचवें नंबर पे है माउंटेन सॉइल पर्वतीय मिट्टी, ऐसी मिट्टी जो पर्वतों पर पाई जाती है उसे माउंटेन सॉइल कहा जाता है। डेजर्ट सॉइल क्या होता है, ऐसी मिट्टी जो कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में या मरुस्थली क्षेत्रों में पाई जाती है उसे डेजर्ट सॉइल कहा जाता है। बस आज इतना ही, कल इसका अगला पार्ट लेकर के फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बच्चों घर पे रहना, सुरक्षित रहना और अपने आप को बचा करके रहना, सबका कहना मानना। थैंक यू।